नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। अगर जो 5th of June 2024, सबसे पहले दोस्तों मुझे ये बताओ कि आप लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं। 51,000 के लेवल्स पर निकल करके 47,000 के लेवल्स पर बाइंग करके कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट से पक्का बताइए। अब दोस्तों आज के दिन अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने क्या किया, तो मैंने भी कुछ स्टॉक्स पर अपनी पोजीशन को क्रिएट किया है। इनफैक्ट हम लोगों ने बैंक निफ्टी की भी कॉल ऑप्शन को बाय किया, तो प्रिसाइजली 48,000 की कॉल ऑप्शन को बाय किया था। अगर आप मुझसे पूछे ऐसा क्यों, कुछ लोग ये पूछ सकते हैं, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर तीन दिन पहले तो आप बेयरिश थे, एकदम से आप बुलिश कैसे हो गए, आपने कॉल ऑप्शन क्यों बाय कर लिया। तो दोस्तों मैं कभी भी हमेशा बुलिश या फिर हमेशा बेयरिश नहीं रहता हूं। एक लेवल के ऊपर बुलिश और एक लेवल के नीचे बेयरिश रहता हूं। दोस्तों आज के दिन 48,000 के लेवल जैसे ही क्रॉस हुए, इनफैक्ट दोस्तों ये जो 47,800 का लेवल है, यही पर मैंने कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया था और कॉल ऑप्शन बाय करी थी 47,800 लेवल्स। अब दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि यहां पे ही क्यों बाय किया, सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों। ये बैंक निफ्टी चैनल के अंदर फिर से प्रवेश हो गया है। अब दोस्तों जैसे ही ये चैनल के अंदर प्रवेश हुआ है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये नीचे गिर जाएगा, सिंपल चीज है, या तो अगर ये गया तो उसके बाद 51,000 के लेवल्स के ऊपर जाएगा। और दोस्तों मैंने क्या चूज किया, आई चोज टू रिमेन बुलिश, क्योंकि यहां पर जो बुलिश जो सेटअप बन रहा था वो काफी ज्यादा बुलिश दिखाई पड़ रहा था। निफ्टी के और बैंक निफ्टी के चार्ट को हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आज के दिन बात कर लेते हैं हुआ क्या है। सो निफ्टी 50 हैज रिजन 735 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी हैज रिजन 2000 पॉइंट्स। कल के दिन 7-8% की गिरावट थी, आज के दिन 4.5% की तेजी दिखाई पड़ी, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पूरी की पूरी फॉल रिकवर हो गई है। सो दोस्तों यहां पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको देखनी चाहिए, कि आज के दिन सिर्फ मिड कैप लार्ज कैप ही नहीं, बल्कि हर एक इंडेक्स, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो मिड कैप हो, हर एक सेगमेंट में इक्वल अमाउंट ऑफ बाइंग दिखाई पड़ रही थी। इनफैक्ट अगर आप आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें, तो कल के दिन जहां 2300 स्टॉक में से 2200 स्टॉक गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे और मात्र 100 स्टॉक पॉजिटिव थे, आज के दिन 1778 स्टॉक्स और एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स और 500। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पूरी की पूरी गिरावट खत्म हो गई है। अब आगे क्या लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोस्तों गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 68 पॉइंट्स प्लस 22,570 के भी ऊपर। जाओ जोन्स, यूरोपियन मार्केट्स, हर जगह पर हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। आज के दिन के स्टार परफॉर्मर्स, निफ्टी 50 के टॉप स्टार परफॉर्मर्स में लीड कर रहा था ABFRL, विच वॉज ऑलमोस्ट 15% अप। इसके अलावा दोस्तों ये सारे के सारे मिडकैप सेगमेंट के स्टॉक्स हैं। तो आज के दिन दोस्तों मिडकैप सेगमेंट के स्टॉक्स में कहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा था, कौन से टॉप गेनर्स थे, तो उसमें लीड कर रहे हैं ABFRL 15% अप, KNR कंस्ट्रक्शन 14% अप, ज्योति लेबोरेटरीज 13.5%, वैरक इंजीनियरिंग 13%। तो दोस्तों आज के दिन अगर हम लोग बात करें कहां पर गिरावट दिखाई पड़ रही थी मिडकैप्स इंडेक्स में, और अगर आप देखें तो BDL वॉज 9% डाउन, GRSE वॉज अगेन 7.5% डाउन। तो दोस्तों ये स्टॉक जो कि PSU सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, जो कि ओवर वैल्यूड हैं, आज के दिन भी उनको बख्शा नहीं है। कोचिन शिपयार्ड 7% डाउन, टीटागढ़ वैगन जो कि रेलवे थीम का स्टॉक है 6% डाउन है, डाटा पैटर्न में 5.5% की गिरावट दिखाई पड़ी, जो कि एक डिफेंस पिक है। अगर आप लास्ट एक हफ्ते का परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, जो लीड कर रहा है स्टॉक उसमें इमामी में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाई पड़ रही है, 33% की तेज़ी दिखाई पड़ रही है इन द लास्ट वन वीक। KNR कंस्ट्रक्शन 23.5% ऊपर है। इसके अलावा कैंपस बीकाजी में भी 16% की तेज़ी, इनफैक्ट बीकाजी का चार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा एक मेंबर पूछ भी रहे थे कि बीकाजी में क्या व्यू है, सो मेरा व्यू बीकाजी में बहुत बहुत पॉजिटिव और अग्रेसिव है, चार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। कहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है दोस्तों, REC लास्ट एक हफ्ते में करीब करीब 20% गिर चुका है। इनफैक्ट आज के दिन भी मॉर्निंग में प्रेशर ही था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ी सी बाइंग दिखाई पड़ी REC एंड PFC। इसके अलावा MTR टेक्नोलॉजीज, इंजीनियर्स इंडिया, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, BEML, ये वो सारे स्टॉक्स है जिसमें कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ा है। लेकिन मार्केट ने किन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया दोस्तों, मार्केट ने एक्यूमुलेट किया स्टॉक्स लाइक क्राफ्ट्समैन, करीब करीब सबसे ज्यादा लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सुंदरम फास्टनर्स, CVST ब्रॉडकास्ट, HSCL, SW Solar, ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें कि पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे हैं सर आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी कैसे होती है, दोस्तों इतना सारा डेटा आपको जब मिलता है जिसको कि आप सिफ्ट करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, कोलेट करते हैं, और उसके बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो फिर ऑफकोर्स आपके ट्रेड तो अच्छे होंगे ही होंगे।
हम लोग ने आज के दिन कौन से स्टॉक्स बाय किए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस वीडियो इन द इवनिंग। इसके अलावा हम लोग बात करें निफ्टी 50 के चार्ट पर, तो सिमिलर चीज़ हमको निफ्टी 50 के चार्ट में भी दिखाई पड़ रही है। निफ्टी 50 चैनल में एंटर कर गया है, कल के दिन चैनल से बाहर क्लोज हुआ था। अल्टीमेटली आज के दिन मॉर्निंग में ही एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई और टू चैनल के अंदर ही ओपनिंग ही हुई थी। तो दोस्तों ये दर्शाता था कि यू नो मार्केट विल रिस्पेक्ट दिस अपसाइड, और अल्टीमेटली जैसे ही इसने डे हाई को क्लोज किया, डे हाई वैसे 15 मिनट्स में तो ऐसा लग रहा था मार्केट आज के दिन फिर से गिरेगी, लेकिन जैसे ही डे हाई का लेवल क्रॉस हुआ उसके बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सिमिलर चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई पड़ेगी। बैंक निफ्टी में इनिशियल पार्ट ऑफ द डे में चैनल के नीचे क्लोजिंग हुई, एक वीकनेस दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही 48,000 के लेवल्स ब्रीच हुए, इनफैक्ट हमने जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, मैंने 48,000 के ब्रीच होने का वेट नहीं किया, मैंने ब्रीच किया आज के डे हाई के ब्रीच होने का 47,800 के जैसे लेवल ब्रीच हुए थे, तो मैंने 48,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया था। मैंने एग्जैक्ट ट्रेड अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया है और 650 के प्राइस पे बाइंग की थी दोस्तों, 680 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 680 वाज़ द प्रीमियम जिसमें की एंट्री करी थी एंड वेंट एज हाई एज 1200 प्लस। मैसिव अपसाइड, सारे टारगेट्स आज के दिन अचीव होते हुए दिखाई पड़ते हैं बैंक निफ्टी के। सो दोस्तों ये अपसाइड, अगर आप मुझसे पूछें क्या सर ये अपसाइड आगे भी कंटिन्यू रहेगी, सो अगर आप मुझसे पूछें थियोरेटिकली दोस्तों गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं, बट थियोरेटिकली अगर आप मुझसे पूछें तो यहाँ से जो अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए वो है 51,000 प्लस की, मतलब चैनल के अपर बैंड की अपसाइड की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। ये एक लॉजिक, ये एक रैशनल बनता है। और अगर आप मुझसे पूछें क्या ये नीचे रिट्रेस कर सकता है, बिल्कुल रिट्रेस कर सकता है, और बियरिश पोजीशन बने कि जब वो फिर से 48,000 के लेवल्स को नीचे के साइड पे ब्रीच कर देगा। सो नेट नेट अगर आप मुझसे पूछे तो मार्केट बुलिश साइन दिखा रही है, बुलिशनेस दिखा रही है, और ऊपर के चैनल के ऊपर के लेवल की तरफ बढ़ना शुरू कर चुकी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे समराइज कि सर क्या, इफ यू पुट द पिस्टल ऑन माय हेड एंड आस्क मी व्हाट इज योर व्यू, सो माय व्यू इज बुलिश, रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एफआईडीआई डेटा के बारे में बात करें, आज के दिन फिर से एफआईआई ने सेलिंग ही करी है 5656 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। कल के दिन 12,500 करोड़ की सेलिंग करी थी एफआईआई ने, आज के दिन फिर से उन्होंने 5656 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की सेलिंग करी है, लेकिन डीआईआई की तरफ से मैसिव बाइंग है 4555 करोड़ की। सो ओवरऑल डीआईआई की बाइंग चालू है। जब भी डीआईआई की बाइंग चालू होती है मैं बोलता हूं दोस्तों ये डीआईआई बाय नहीं कर रहे हैं, हम और आप ही बाय कर रहे हैं, ये हमारी एसआईपी का पैसा ही है जो कि डीआईआई लगा रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं डीआईएस को पैसा नहीं देता हूं, मैं अपना पैसा खुद इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली आई डू रिसर्च, आई डू स्टडी एंड आई हैव सम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विच आई मेक यूज़ ऑफ, और मैं अपने पैसे को खुद ही कंट्रोल करना चाहता हूं और पसंद करता हूं। दोस्तों बात करते हैं हम लोग निफ्टी 50 के ऑप्शन डेटा के बारे में। तो एज यू कैन सी हियर पुट राइटिंग बिल्कुल ख़त्म है, जो कि बताती है कि यहां पर एक बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा बियरिश व्यू भी नहीं रखना है। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग भी नहीं है अप टू द लेवल्स ऑफ 23,000 लेवल्स, मतलब 23,000 के लेवल जब तक ब्रीच नहीं होते आपको कोई फ्रेश शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आज के दिन क्लोजिंग हुई है 22,573, तो हाँ अपसाइड की पॉसिबिलिटी है, और सबसे मेजर जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा 23,000 के लेवल्स अगर ब्रीच होते हैं तो वहां से एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, अदरवाइज मार्केट 23,000 से नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई पड़ सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा एट द मनी पे आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ रही है, जो कि बताता है दोस्तों कि 49,000 के लेवल पर मार्केट में एक अच्छी खासी पोजीशन क्रिएट हो रखी है। तो बैंक निफ्टी का डाटा साफ साफ बता रहा है कि 49,000 के नीचे बैंक निफ्टी का जाना मुश्किल है। अब दोस्तों इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल है, क्योंकि अगर 49,000 के लेवल्स ब्रीच करते हैं तो फिर यहाँ पर एक लॉन्ग अनबाइंडिंग भी हो सकती है, अपनी शॉर्ट पोजीशंस भी बन सकती हैं, लेकिन जो पुट राइटिंग की पोजीशंस बन रखी है 49,000 के लेवल पे, जो कि बताता है कि 49,000 का जो लेवल है मार्केट उसके ऊपर ही अपनी पोजीशंस को रखने की कोशिश करेगी। वैसे चार्ट पे तो मैंने आपको बता ही दिया और समराइज भी कर दिया है कि अल्टीमेटली जो व्यू निकल कर के आ रहा है वो पॉजिटिव ही निकल कर के आ रहा है। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। पहला स्टॉक आरवीएनएल, जिसमें की बड़ी न्यूज है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है छोटा मोटा नहीं 391 करोड़ का फ्रॉम ईस्टर्न रेलवेज। अब दोस्तों आरवीएनएल को लगातार ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं, फिर चाहे वो सदर्न रेलवेज हो, चाहे साउथ ईस्टर्न रेलवेज हो, चाहे वो ईस्टर्न रेलवेज हो, तो आरवीएनएल की जो ऑर्डर बुक है वो स्ट्रांग बनती चली जा रही है। स्टॉक के बारे में बात रहे, स्टॉक ने अभी रिसेंटली 420 के लेवल से 350 के भी नीचे, इनफैक्ट 320 के लेवल्स तक का रिट्रेसमेंट शो कर दिया है। भाई ऊपर से लेकर के नीचे तक अगर आपको 3 दिन में 25% का करेक्शन दिखाई पड़ जाए तो आपको क्या लगता है ये करेक्शन नहीं है क्या?
मेरे हिसाब से एक साइजेबल अमाउंट ऑफ करेक्शन हो चुका है। इनफैक्ट इसने अपने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 350 के ऊपर क्लोजिंग दी है। एक आउटलुक तो पॉजिटिव ही निकल करके आ रहा है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन दोस्तों कब आएगा, जब ये 380 के लेवल्स के ऊपर क्लोज होगा, जो इसका एक डिसाइजिव लेवल है। क्योंकि अभी इसका देखा जाए तो चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी डाइसी लग रहा है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में 380 के लेवल्स के क्लोज होने के ऊपर ही हमको एक बुलिश इंटैक्ट व्यू नज़र आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करें, कल के दिन 20% की गिरावट के बाद आज अडानी एंटरप्राइजेस वॉज अप 6.5%। अगर आप स्टॉक के बारे में बात करें, 3700 के लेवल से गिरा कल के दिन 2700 के लेवल तक, एक अच्छी खासी करेक्शन स्टॉक में कल के दिन हो चुकी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें क्या स्टॉक में भी बुलिश हो गया, तो दोस्तों जब तक स्टॉक 3400 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेवल, जब तक स्टॉक 3400 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करता, मेरे हिसाब से केयरफुल रहने की जरूरत है। इनफैक्ट हम लोगों ने इसमें पुट राइटिंग की पोजीशंस को क्रिएट किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है आज के दिन। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे क्या इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है, सो आई विल वेट फॉर 3400 लेवल्स टू ब्रेक और उसके बाद ही कोई फ्रेश पोजीशन के बारे में सोचा जा सकता है। अब कई सारे लोग कहेंगे सर अब तो मोदी जी आ गए हैं, अब तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भागेंगे। सो दोस्तों मैंने आपको फिर से बोला, अब की बार मैं जो मैंने कल बोला था मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ कि अब की बार मोदी जी सिर्फ अकेले अपने उस पर नहीं आए, दे हैव ही हैज़ नॉट कम ऑन हिज मेजॉरिटी, सो ही डजेंट हैव 100% से ऑन वॉट ही सेज, ही हैज़ टू टेक द नॉड ऑफ अदर कोलिशन पार्टीज एज वेल। सो उनका इंडिपेंडेंस कुछ हद तक, अब दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि अडानी को आंख बंद करके सपोर्ट होगा और इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें अभी फिलहाल दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन के घेरे में है। हाँ ऑफ कोर्स आप पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली मैं बात करूँ, बाकी दोस्तों पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के मैं कोई बातचीत नहीं कर सकता। हम लोग लेवल टू लेवल बातचीत करेंगे। लेवल टू लेवल का मतलब ये है कि 3400 के ऊपर अडानी एंटरप्राइजेस में एक पॉजिटिव सेटअप बनेगा। अब बीजेपी आए या फिर ना आए, उसे अपने को कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा बीजेपी आ तो चुकी है, उसमें आए ना आएगा कोई मतलब नहीं बनता। अभी टाटा स्टील के बारे में बात करो दोस्तों, टाटा स्टील में पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि डच गवर्नमेंट विल बी पेइंग €3 बिलियन टू क्लीन अप टाटा स्टील्स प्लांट। अब दोस्तों 3 बिलियन यूरो का सपोर्ट मिलना है टाटा स्टील को, दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़, और ये पैसा सीधे सीधे टाटा स्टील के खाते में ऐड होगा, और यही रीज़न है दोस्तों स्टॉक आज के दिन पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा था। अगर आप स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक ऑलमोस्ट 178-180 के लेवल से करेक्ट होकर के 145 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर पहुंच गया था, और अगर आप मुझसे पूछे तो 145 का वो लेवल है लास्ट टाइम जब हमने स्टॉक में अपनी फ्रेश पोजीशन को क्रिएट किया था। दोस्तों याद है कि नहीं याद है, तो 140 इनफैक्ट 148 पे स्टॉक ने बाउंस बैक लिया है, हमने 145 के लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में फ्रेश पोजीशन को लिया, अपनी क्रिएट किया था फॉर द टारगेट्स ऑफ 165, और दोस्तों ये एक दिन के अंदर पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया। सो जब मार्केट गिरता है तो इतनी बुरी तरह से गिरता है कि लोगों को अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पे खरीदने का मन ही नहीं करता, दैट्स हाउ इट हैपेंस। लेकिन दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें अभी टाटा स्टील पे क्या व्यू है, तो टाटा स्टील में मेरा व्यू दोस्तों अभी भी पॉजिटिव ही है, और अगर आप मुझसे पूछें फ्रेश एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, तो अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो ही टाटा स्टील जैसे स्टॉक में एक्यूमुलेशन करें। सिमिलरली टाटा मोटर्स के बारे में बात करें, तो टाटा मोटर्स में पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि यूके की जो JLR सेल है पिछले साल के कंपैरिजन में 29% भागी है, और पिछले साल जहां कंपनी की सिर्फ और सिर्फ 4732 यूनिट सेल हुए थे, जो कि बढ़कर के अभी 29% बढ़कर के अभी 6093 यूनिट सेल हुए हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। स्टॉक अपने हाईज 1040 के लेवल से करेक्ट होकर के 850 के लेवल तक पहुंच करके कल के दिन 850 के लेवल्स को स्टॉक ने टच किया, वहाँ से फ्रेश बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछें कि स्टॉक में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से 960 हैपेंस टू बी ए क्रूशियल लेवल, जिसके ब्रीच होने के बाद स्टॉक फिर से बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा। अगर स्टॉक 960 के लेवल्स को ब्रीच नहीं कर पाता है तो स्टॉक में फिर से गिरावट हो सकती है, बी स्लाइटली केयरफुल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द इंश्योरेंस स्टॉक्स लाइक HDFC लाइफ, जो कि भी रिसेंटली अच्छा खासा करेक्ट कर चुके हैं बिकॉज ऑफ सरेंडर वैल्यू। दोस्तों जिनको पता नहीं है बता देना चाहते हैं, तो इस तरह की खींचतान चल रही है IRDAI के बीच में और इंश्योरर्स के बीच में, लाइफ इंश्योरर्स के बीच में, कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर जल्दी पॉलिसी सरेंडर करता है तो क्या उसको पूरा सरेंडर वैल्यू मिलना चाहिए। सो दोस्तों जो लाइफ इंश्योरर्स हैं उनका मानना यह है कि भाई अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और अगर वो 5 साल के नीचे अपनी पॉलिसी को सरेंडर करता है तो उसको
सरेंडर वैल्यू कम मिलनी चाहिए। हाँ, अगर सिलेंडर वैल्यू उसको ज़्यादा चाहिए, हायर सरेंडर वैल्यू चाहिए, तो हायर सरेंडर वैल्यू कैन बी पेड वंस द पॉलिसी हैज़ कंप्लीटेड 5 ईयर्स। तो देखा जाए यार, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनका व्यू भी सही है, क्योंकि किसी ने अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया है, अपनी लाइफ को सेफ रखना चाहता है, तो कम से कम एटलीस्ट उसका जो ज्ञान चक्षु हैं वो अपनी लाइफ को 5 ईयर्स तक तो कॉन्ट्रीब्यूट करे। अगर 5 ईयर्स के पहले ही पैसे निकाल ले रहा है तो ही इज़ नॉट टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस, ही इज़ जस्ट डूइंग ट्रेडिंग। भाई, लाइफ इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग। और वहीं पर जब आप लाइफ इंश्योरेंस को पैसा देते हैं तो भी आपके जो पैसा उनको मिलता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर आप ऐसे ही पैसे देते निकालते रहेंगे तो फिर कैसे इंश्योरेंस कैसे मिलेगा कवर आपको। सो ओवरऑल ये सब खींचतान चल रही है, तो मेरे हिसाब से मार्केट में HDFC लाइफ जैसे स्टॉक ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुके हैं। स्टॉक फ्रॉम दिस लेवल्स ऑफ 720 कल के दिन 510 के लेवल तक गया था। मेरे हिसाब से स्टॉक एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्राइस जोन पे समय ट्रेड कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछे किस लेवल के ऊपर स्टॉक बुलिश हो जाएगा, दैट हैपेंस टू बी 580 लेवल्स, क्रूशियल लेवल है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक का जो ट्रेजेक्ट्री है वो हायर हाईज हायर लोस की तरफ चला जाएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं। कौन से स्टॉक्स हमने लिए हैं उसको हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो के बाद में डिस्कस करेंगे इन ट्रेड एनालिसिस वीडियो। डू नॉट मिस आउट। थैंक यू सो वेरी मच। बाय।